हे नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आज अपने हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्नों के संग्रह के साथ फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष। इसमें जो है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न लिए हैं जो यूपीएससी यूपीपीएससी और नेट जेआरएफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए मैं अपने प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आशा करता हूँ कि आप मेरे इस उपनयन संस्कार करा लिए होंगे। उपनयन संस्कार का मतलब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, इसका मतलब उपनयन संस्कार हो गया है, ये डिजिटल उपनयन संस्कार है। चलिए ठीक है, हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई। पूना पैक्ट को सरकार ने सांप्रदायिक अधिनिर्णयन में संशोधन के रूप में स्वीकार किया। दलित वर्गों के सभी उम्मीदवार सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने थे। ये देखिए प्रश्न ये है हमारा, और इन प्रश्नों में तीन बिंदु दिए हुए हैं, इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम इन चार ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए फिर से एक बार हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यह, पूना पैक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई कि या नहीं की गई, इसको हम करने से पहले सबसे पहले हम पूना पैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट जो है ये कब हुआ था, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता था। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता था। मैं इससे भी और पीछे आपको लेके चलता हूँ। द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोल में प्रथम गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोल 1931 में, सॉरी 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, और उस समय कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी को ब्रिटेन भेजा। और उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी के कुछ प्रस्ताव थे वो जिसको लॉर्ड इरविन ने, वायसराय लॉर्ड इरविन ने मान लिया था। ठीक, तो उसके बाद गांधी जी वहाँ पे गए। गांधी जी जब वहाँ से फिर रिटर्न आए, वहाँ पे जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में वहाँ पे जब भाग ले रहे थे, तो वहाँ पे दलित वर्गों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन हिंदी का क्या हुआ, क्रिश्चियन के लिए अलग से उनको पृथक निर्वाचन क्या क्या प्रदान किया गया। इससे गांधी जी वहाँ से क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। यानी कि उसमें दलित वर्ग जो यहाँ पे ना, दलित हरिजन वर्ग, दलित वर्ग, इनको भी हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया। अब उनको भी अलग से पृथक निर्वाचन जैसे मुस्लिम लीग को प्राप्त था, उसी तरह इनको भी प्राप्त किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। जब गांधी जी बहुत दुखी हुए तो फिर वहाँ से जब आए तो वो द्वितीय गोल में सम्मेलन क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। गांधी जब यहाँ आए तो फिर उसके बाद एक उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजी मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, पीएम मैकजे, डोनाल्ड, ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में यह था कि अब दलितों को हिंदू धर्म से अलग करके एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए गांधी जी ने अपनी गांधी जी ने उसमें यह प्रस्ताव रखा कि अगर अगर दलित वर्ग को हिंदू धर्म से अलग किया जाएगा तो मैं अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हमेशा से जो दलित वर्ग है या कोई हरिजन वर्ग है, ये सभी हिंदू धर्म के पार्ट रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन अब इससे जो रैमजी मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था ना, इसी को कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। ठीक, ये कम्युनल अवार्ड कब आया था, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए, फिर उनके कुछ एक वर्ष के बाद ये कम्युनल अवार्ड आया। देखिए तो ये आया, इसमें क्या किया गया, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई। अभी भी देखते हैं इसके लिए। देखिए कम्युनल अवार्ड आया, इसके बाद जो दलित वर्ग के नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस भीमराव अंबेडकर से क्या हुए, सहमति हुए। मैकडोनाल्ड का जो प्रस्ताव था उन्होंने उसका क्या किया, स्वागत किया उनके, मतलब दलित वर्ग के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल मिल जाएगा, यानी केंद्रीय और केंद्रीय असेंबली में और प्रांतीय विधानसभाओं में जब चुनाव होगा तो मुस्लिमों की प्रतिनिधि अलग से चुनाव लड़ेंगे और उनको ये, सॉरी मुस्लिमों नहीं, ये दलित वर्ग के प्रतिनिधि अलग से चुनाव लड़ेंगे और उनको दलित ही वोट देंगे, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल क्या किया, प्रदान कर दिया गया। लेकिन जो गांधी जी से इतने थे, उन्होंने क्या किया, एक आमरण अनशन पर बैठ गए। कब बैठे, 20 सितंबर 1932
1932 में, 20 सितंबर 1932 में वो क्या किया, आमरण अनशन भी बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। इसी दिन क्या मनाया गया, उपवास और प्रार्थना दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, उपवास और प्रार्थना दिवस मनाया गया इसी दिन। जब गांधी जी अब ये आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, लगभग 26 सितंबर आ गया, वो अपना उपवास तोड़ने के लिए सहमत नहीं थे, मतलब जब तक उनका मांग पूरा नहीं किया था तो वो उपवास नहीं तोड़ेंगे। इसी बीच जो कांग्रेस के नेता थे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने क्या किया, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में परिषद बुलाया, उस परिषद में ये भीमराव अंबेडकर भी उपस्थित थे, ठीक है, के साथ साथ सभी मतलब उसमें के जो नेता थे उपस्थित थे। उन नेताओं ने एक सहमति बनाई, उस सहमति में ये था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में है ना उनमें सीटों का वृद्धि किया जाएगा, के साथ जो दलित वर्ग को अलग से पृथक निर्वाचक मंडल प्राप्त किया जा रहा था उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, और सीट जो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों असेंबलियों में दलित वर्ग के लिए सीटों को क्या किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा, सीटों को वृद्धि किया जाएगा। इससे पहले 71 सीट क्या थे, आरक्षित थे दलित वर्ग के लिए, लेकिन उसको बढ़ा क्या किया जाएगा, 147। जो ये सीटों की वृद्धि हुई ना, आरक्षित सीटें, इसमें आरक्षण मतलब एक बार से दिया गया, तो इसे गांधी जी भी इसे ज़्यादा विरोध नहीं किए, इसको भी गांधी जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, इसे भी सहमति भर दी है, ठीक। तो ये जो चल रहा ना, ये पूना पैक्ट है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पूना पैक्ट हो जाएगा, पूना पैक्ट, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभा में क्या कहते हैं, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई, तो इस आधार पर हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा, दूसरा ऑप्शन क्या, पूना पैक्ट को सरकार ने सांप्रदायिक अधिनियम में संशोधन के रूप में स्वीकार किया। हाँ, जो ये पूना पैक्ट हुआ ना, इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों लोगों ने अपनी सहमति भर दी और इस पर सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया, उसी को सरकार ने मान्यता दी और इसी को क्या किया गया, पूना पैक्ट, एक सांप्रदायिक अधिनियम जो कम्युनल अवार्ड आया था ना, उसी में संशोधन के रूप में इसे जोड़ दिया गया, ठीक, जोड़ दिया गया, और जो उसका जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसको वापस ले लिया गया। तो इस आधार पे ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा, दलित वर्ग के सभी उम्मीदवार सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने थे। दलित वर्ग के सभी उम्मीदवार सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने थे, बिल्कुल चुने जाने थे, उनको अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया जा रहा था, लेकिन गांधी जी उसे आमरण अनशन पर बैठ गए और भीमराव अंबेडकर उसे स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनके दोनों लोगों का पूना पैक्ट हुआ, उस पूना पैक्ट के माध्यम से ये क्या हो गया कि जितने भी उम्मीदवार चुने जाएंगे सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा ही चुने जाएंगे, ये सहमति भरा गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 भी सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे क्या हम, चलिए ठीक है, हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। चलिए हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा दोस्तों हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए इसमें ना, हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, इस प्रश्न है ये, इसका दूसरा बदला हुआ रूप है। देखिए, इसमें जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 3 बिंदु दिया हुआ है और 3 ये व्यक्तिगत रूप नाम दिया गया है, हमें इसमें क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन मैच है, कौन सही से इस पर सुमेलित है। ये 3 नाम दिए हुए हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता देना चाहेंगे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी की दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से, ना याद रखना दांडी यात्रा, और ये डेट भी याद रखना, डेट जो था ना 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और शुरू हुआ था और कब तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। और ये गांधी कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से चल करके गुजरात के ही एक तटरेखा पर स्थित है दांडी नामक स्थान तक वहाँ तक जाए और वहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन किए, ठीक है। ये दांडी यात्रा यहीं से शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है।
यही शुरू था सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी ने गुजरात में शुरू किया, इसी की शुरुआत में कांग्रेस के अन्य नेता ने भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी पक्ष को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु में कौन, सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु के तंजौर है ना, वहाँ पे राजराजेश्वर का मंदिर है, तंजौर वही है ना, राजेश्वर मंदिर तंजौर में, हाँ तो तंजौर के तंजावुर तट पर तिरुचनापल्ली तट है जो तमिलनाडु के तट पे स्थित है, तिरुचनापल्ली उसी स्थान पे, वहाँ पे वेदारण्य नामक एक स्थान पे जाके मार्च निकाला और वहाँ पे जाके नमक कानून का तोड़ा। तो ये सी वाला क्या है, ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सुमेलित है। दूसरा बंगाल, सुभाष चंद्र के बाद इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। मालाबार तट में के कलप्पन ये भी कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने भी ये, अच्छा एक चीज़ याद रखना ना, ये जो के कलप्पन है ना, ये वाईकोम सत्याग्रह से भी जुड़े हैं, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट नेम है, इसे याद रखना कि कलप्पन किस आंदोलन से जुड़े हैं, वाईकोम आंदोलन से भी जुड़े हैं। वाईकोम आंदोलन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रश्न आएंगे इनके समझ इसके बारे में, तब या फिर मैं जब हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा तो इस हिस्ट्री के सेक्शन में जब वाईकोम सत्याग्रह जब होगा उसमें हम बताएंगे, ठीक। चलिए तो ये सुमेलित है, ये तो सुमेलित है, एक और दो सुमेलित है, अच्छा एक और दो मिले इसमें ऑप्शन में है ना, एक और दो इसमें भी है, तो ये नहीं होगा, ठीक। अब देखिए हम तीसरा बंगाल वाले में बात करना चाहेंगे, बंगाल सुभाष चंद्र बोस सुमेलित हैं या नहीं। देखिए बंगाल में जो था ना उस समय क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, लोग क्रांति के माध्यम से जिससे उसी समय घटा था ना ये क्रांतिकारी आंदोलन से बढ़ गया था, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ गया था, सुभाष चंद्र बोस भी उसी एक्टिविटी में शामिल थे। इस समय सुभाष चंद्र बोस किस में, कहाँ पे थे, आई थिंक कारावास में थे, सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, कारावास में थे, इसलिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं ले सके। तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा इसलिए ये ऑप्शन हमारा कौन सा, वन और थ्री, सॉरी यार इसमें मैं यहाँ गलती कर दिया हूँ ना, वन एंड थ्री क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, सही चुनते हैं। चलिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इतना बात किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल एक कुछ और बात करना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए रिवीजन पर्पज से। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें, अगर याद है तो आप यहाँ चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्पीड 1.25 या 1.50 अपनी सुविधा आंसर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत जो निर्णय लिया गया था ये कहाँ, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, 1928 दिसंबर 1928 में हुआ था, और उसी के समझ अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था मैं भूल रहा हूँ ना, आई थिंक चलिए ठीक है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था ना वो पूर्ण स्वराज दिवस, तो इसलिए 1929 में ही हुआ होगा, ठीक है 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसी में यह निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, ओके। और कहाँ, रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे महात्मा गांधी थे और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सभी लोगों ने मिल के क्या हुआ, तिरंगा झंडा को फहराया, नवनिर्मित तिरंगा झंडा को फहराया था, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से जाना, और इस तमिलनाडु से कौन जुड़े हैं, सी राजगोपाल जुड़े हैं, और मालाबार से के कलप्पन जुड़े हैं, बंगाल से भी सुभाष चंद्र बोस जुड़े हैं, हालांकि वो इन आंदोलन में भाग नहीं ले सके, उसमें ये कारावास में थे, कारावास मतलब जेल, ठीक। चलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, द्वितीय गोल में सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय गोल में सम्मेलन से संबंधित है, इसे याद रखना, द्वितीय गोल में सम्मेलन इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। द्वितीय गोल में सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। ईसाई और एंग्लो इंडियन समुदाय ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, संघ को एक सिद्धांत के रूप में सभी प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया था, चलिए हम द्वितीय गोल में सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये भी गोल में सम्मेलन क्या, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ था। कब, जो ये शुरू हुआ था ना 7 सितंबर
1931 से लेकर कब चला, 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। इतने तक ये क्या हुआ, ये लगभग 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में चला था। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, कौन, एमजी गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए। हालांकि इससे पहले मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, इसमें कौन सा लॉर्ड इरविन था जो सहमत हो गया, जो गांधी जी द्वारा प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, जब मान लिया तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। अच्छा एक चीज़ याद रखना ना, जो लंदन गए ना वो किस जहाज से गए, एसएस राजपूताना ना, उस समय का एक जहाज था, कौन था, एसएस राजपूताना, ठीक है, इसका नाम एसएस राजपूताना ना, याद रखना ये, उसी जहाज से वो लंदन में गए। देखिए जब लंदन में गए तो उन्होंने एक लंदन जब इसमें भाग ले रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है ना, भारत की जितनी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ठीक है। गांधी जी ने ऐसा दावा किया, हालांकि उसमें जो अन्य जो क्या थे वो अपने राज थे, जो थे ना उपनिवेश, जो अभी राजा महाराजा के नियंत्रण में थे, उन्होंने क्या किया, इसका अपोज किया, विरोध किया, और जितने भी अन्य दलित वर्ग के नेता थे और अन्य जो अन्य समुदाय के, जैसे मुस्लिम हो गया और अन्य जो थे, उन सभी ने इसे कहा, गांधी जी की इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हुए, तो गांधी जी से सहमत नहीं हुए, और जो रियासतें के छोटे छोटे राजवाड़े थे ना, वो भी इनसे गांधी जी से सहमत नहीं हुए। तो हालांकि गांधी जी ने अपनी कांग्रेस में सब प्रतिनिधित्व करने का, मध्य देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो किया, इस आधार पर ये सही है। अब देखिए ईसाई और एंग्लो इंडियन समुदाय ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। देखिए कहने का मतलब ये है, ईसाई एंग्लो इंडियन अन्य सभी समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल को तो दिया, लेकिन क्या इन्होंने मांग किया था या अपने आप दे दिया गया था। देखिए इसमें जो था ना, मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग, ईसाई वर्ग, एंग्लो इंडियन वर्ग, सभी वर्गों ने अपने लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, और इस मांग को पूरा करने के लिए सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग थे ना, समुदाय, आपस में एकजुट हो गए। आपस में क्या हो गए, एकजुट हो गए कि अब हमें सब लोग एक मिल करके के काम करेंगे, क्या ये प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो हालांकि इन्होंने मांग किया था, ऐसे बोला कि इन्होंने मांग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, यस मांग की, अभी हमने डिस्कस किया, तो मांग किया, इसीलिए क्या हुए, गांधी जी इससे बहुत दुखी हो गए ना, तो आके यहाँ पे आमरण अनशन भी बैठ गए, जब इंडिया में आए तो आमरण अनशन में बैठ गए। चलिए अब हम तीसरे में आते हैं, संघ को एक सिद्धांत के रूप में सभी प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया। संघ ऐसे कैसे हो सकता, जो उसमें के ब्रिटिश जो राजवाड़े थे, जो ये रियासतें थी, वो सब तो ऐसे ही नहीं मानेंगे, उनको तो राजा था अपना, वो चना काट रहे थे, तो वो तो ऐसे नहीं मानेंगे, कौन रियासतें नहीं मानेंगे ना, रियासतों ने नहीं माना, और जो क्या था मुस्लिम लीग, तो वो भी नहीं, अभी देखते हैं ना, तो क्या किया, वे अस्वीकार कर दिए लोग, मतलब हम मतलब लगभग वो सभी लोग सहमत नहीं थे कि ठीक, तो सभी लोग इस पर क्या थे, सहमत नहीं थे, तो ये तो वैसे ही देखते ही मालूम चलेगा कहाँ ये गलत ही होगा ना। चलिए तो हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे, ऑप्शंस तो मैंने देखा ही नहीं, चलिए पहला सही है, दूसरा सही है, अच्छा ठीक है, अगर दूसरा सही है, अब हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हमारा जो पीडीएफ है ना तो गलत सेव हो गया है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने हर प्रश्न में प्रीवियस प्रश्न को एनालाइज भी कर रहे हैं, सही है या गलत, और जो कल जो प्रश्न सॉल्व किए थे, इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व किए थे उनको भी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की हर एक पहलू तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं जो भी ऑप्शंस में आ रहे हैं। चलिए तो हम अपने चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे, ओके हम चलते कहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम अपने आने वाले अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे ड्यू टू सम रीजन। देखिए जो ये हमारा जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा, इस तरह से मैं अपने प्रीवियस वीडियो को में जो पढ़ाया हूँ और जो इसमें पढ़ाया हूँ इसको और भी अलग से डीप में जाकर एनालाइज करने का कोशिश करूँगा, और आप लोगों के समझ तथ्यों के साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए हमें धन्यवाद। मैं आपसे
आप आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे, और अगर आप अंत तक देखें जरूर लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।